हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कतर हो गया, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, या गल्फ कंट्री में किसी भी कंट्री में जाने के लिए कितना पैसा खर्च हो जाता है और कौन से ऑफिस से जाएं। गल्फ कंट्री में आसानी से जल्दी वीज़ा कहाँ से मिल जाता है और कितना खर्च लगता है, चाहे दुबई हो गया, चाहे ओमान हो गया, चाहे सऊदी हो गया या बहरीन हो गया। टोटल खर्च बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो भी भाई हैं, जो फ्रेशर भाई हैं, वो लोग नहीं जानते हैं और वो लोग से एजेंट लोग दो दो लाख, डेढ़ डेढ़ लाख रुपया ले लेते हैं लोग। तो इसी के बारे में दोस्तों बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे जाएंगे तो कम से कम पैसे में चले जाएंगे और अच्छा से अच्छा सैलरी पे। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके और पूरा नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहले पहुंच सके और हमारा वीडियो आप लोग पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। दोस्तों कतर, दुबई या ओमान, किसी भी गल्फ कंट्री में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो तीन ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के पास। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन और आसान ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप लोग मेन पावर ऑफिस, जो दिल्ली मुंबई में मेन पावर ऑफिस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 1000+5 का है, उन सब ऑफिस से आप लोग इंटरव्यू दें और सिलेक्शन आपका हो जाता है तो जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अब वहाँ पे वैकेंसी कौन सा आया है, कैसे पता करें, उसके लिए दोस्तों बुधवार के दिन एक पेपर में ऐड निकलता है, उस पेपर का नाम है असाइनमेंट अब्रॉड टाइम जॉब। वो पेपर मुंबई में मिलता है दोस्तों, तो मुंबई में वो पेपर भी लेके आप लोग जानकारी ले सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी ले सकते हैं। मैं अपने चैनल पे गल्फ यूरोप कंट्री का अपडेटेड वैकेंसी जो आता है बड़े बड़े मेन पावर ऑफिस का, वो भी मैं डालते रहता हूँ। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं जो आदमी रिटर्नर है, जो भाई रिटर्नर है जिनको अच्छा काम मालूम है और वो इंटरव्यू निकाल सकते हैं, तो अच्छे मेन पावर ऑफिस मुंबई से या दिल्ली से अगर वो निकाल रहे हैं तो वो लोग का जो है चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 से लेकर 55,000 तक लगेगा दोस्तों। और बहुत सारी ऐसी भी वैकेंसी आती है जिसमें दोस्तों फ्री कॉस्ट वीज़ा मिलता है, उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है और वहाँ पे आता है और वो लोग इंटरव्यू में देख के बहुत सारे आदमी सिलेक्शन करा के फ्री में चले जाते हैं। अगर जो भाई फ्रेशर हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मालूम है, अगर वो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेन पावर ऑफिस पे, अगर वहाँ सेटिंग के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि किसी और आदमी का इंटरव्यू कोई और दे रहा है या किसी भी थ्रू से, तो उनका दोस्तों चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, वो लोग का 60-70 हज़ार चार्ज लग जाएगा, क्योंकि वो लोग को काम नहीं मालूम रहेगा और वो लोग जाने के लिए सोचेंगे तो वो लोग को पास कराने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो लगाना पड़ेगा। तो उस समय पर दोस्तों जो भी आपका भाई जो एजेंट रहेगा, या बहुत सारे ऐसे आदमी हैं लोग जो इंटरव्यू मारते हैं लोग दूसरे दूसरे का, तो वो लोग आप लोगों से कुछ चार्ज कर लेंगे लोग। सबसे बेहतरीन बात यह है दोस्तों, फ्रेशर हो या रिटर्न हो, काम का नॉलेज हो जाए फिर इंटरव्यू दें। आप इंटरव्यू निकाल दिए तो समझ लीजिए आपका कम से कम चार्ज में आप किसी भी गल्फ कंट्री में जा सकते हैं। ये जो मैं बताया हूँ दोस्तों मेन पावर ऑफिस का ऑफिस चार्ज मैं बताया हूँ, मैक्सिमम चार्ज मैं बताया हूँ 45 से 55 तक, यानी 45,000 से 55,000 तक, उसके अंदर भी लग सकता है 2-4 हज़ार, 2-4 हज़ार ज़्यादा भी लग सकता है। एग्जैक्टली दोस्तों मैं क्लियर नहीं बताया हूँ आपको, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से वो लोग डिमांड रखता है, कोई कोई वैकेंसी फ्री में आता है तो उसका भी एक भी चार्ज नहीं लगता है, किसी किसी में चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी में कम चार्ज रहता है, तो वैकेंसी का ऊपर है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को बता दें दुबई जाने के लिए, दुबई जाने के लिए भी ऑप्शन आप लोगों को बता दें, ऑफिस से भी जा सकते हैं और विजिट वीज़ा पे भी आप लोग दुबई जाके खुद अपने पैसे से वीज़ा निकाल के और वहाँ जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो अपने विजिट वीज़ा निकालेंगे, टिकट लेंगे और जाएंगे, वहाँ पे एक महीना आप लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीना रहेंगे, अगर कोई आपका रिलेटिव हो
या कोई फ्रेंड हो, जैसे रहने की व्यवस्था हो, तो आप लोगों का चार्ज कम लगेगा और अच्छा से अच्छा सैलरी लग जाएगा वहाँ से जाके आप लोग अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो। तो ये विजिट वीजा की मैं बात किया हूँ, ये केवल दुबई में, जैसे वहाँ जाएंगे और वहाँ आप लोग इंटरव्यू देंगे तो आपका विजिट वीजा जो रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, इन सब जगहों पे भी आप लोग विजिट वीजा पे जा सकते हैं। लेकिन जाने के बाद वहाँ का जॉब सर्च करने के बाद फिर आपको वहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा, लेने के बाद से फिर से आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपने मन के हिसाब से अच्छा कंपनी मिल जाएगा, अच्छा सैलरी मिल जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि आज़ाद वीजे पे आप लोग जा सकते हैं। आज़ाद वीजे पे जाने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का काम का नॉलेज फुल होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि अगर आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे किसी भी कंट्री में, सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, तो वहाँ पे कोई आपका रिलेटिव वाला हो जो आपको 15 दिन 1 महीना अपने पास रख ले, थोड़ा बहुत आप लोग को खर्चा दे, आप लोग को एडजस्ट कर सके। अगर आपका कोई दोस्त है, मित्र है, वो अगर आप लोगों को हेल्प कर दे रहा है तो अच्छा से अच्छा जॉब आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन बिना सपोर्ट के दोस्तों आप लोग जाएंगे तो आप लोग दिक्कत में, मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि रहने का खर्च अलग लगेगा, खाने का खर्च अलग लगेगा। तो अगर आपका कोई दोस्त हो, मित्र हो या रिलेशन वाला हो, अगर वो लोग के पास दोस्तों आप लोग रह जा रहे हैं तो कम खर्च में आप लोगों का अच्छा काम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं तीन ऑप्शन बताया, तीनों ऑप्शन में जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन भाई जो भी अगर जाके डायरेक्ट दुबई हो, ओमान हो या कहीं भी हो अगर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो वो लोग के लिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि काम का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। काम का नॉलेज नहीं रहेगा तो मुश्किल होगा आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट होगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उस कमेंट के का जवाब मैं देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई जानकारी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।